सो हेलो गाइस, जैसा कि आपको गुड न्यूज़ का इंतज़ार था वो गुड न्यूज़ आ चुकी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही खुशी की बात है। और इसे कैसे करेंगे, पहले ये जान लो कि आप ये टाइम देख लो, रात के 12:05 पे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि हमारे हज़ारों स्टूडेंट की किस्मत आज फिर से खुल चुकी है। खैर वो अलग की बात है, दिनों रात आपके लिए मेहनत की जा रही, आपको इसकी वैल्यू समझ में आ रही होंगी। यूपी पॉलिटेक्निक रिज़ल्ट राउंड टू आपका डिक्लियर हो चुका है, तो राउंड टू के रिज़ल्ट को कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे भी सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट दिख जाएगा और इस ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे भी फ्लैश होता नज़र आ जाएगा। तो ऊपर भी आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट राउंड टू का आ चुका है ना। तो चलिए हम रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करने हैं, और डाउनलोड तो खैर आप कर लोगे, अंदर की चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, क्योंकि इसमें आपको तो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन होना है ना। तो हम चलिए एप्लीकेशन वगैरह नंबर को एंटर करके अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं और अपने देखते हैं कि किस हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से कितने रैंक तक किस राउंड में कौन सा चॉइस मिला है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि कौन सा चॉइस नंबर आपको मिला है, किस राउंड में मिल रहा है और किस रैंक तक जा रहा है सब कुछ। तो हम चलिए एक आईडी को लॉगिन करते हैं और आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है। लॉगिन होने के अलावा आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि आपको आना है सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट पे, है ना। तो हम सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट पे आपको दो चीज़ें आएंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें कर रखा है, जैसे व्यू किया है सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट देख लिए हैं, विलिंग्स कर दिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस कर दिए हैं, अब एडमिशन फ़ीस ये कि DV के बाद होगा। बट अभी हम फिर से सीट अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं कि कौन सा रिज़ल्ट हमें मिला है। तो हमें सबसे पहले वाले रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि रिज़ल्ट मिला है या नहीं। अरे अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रिज़ल्ट मिल चुका है और राउंड टू का रिज़ल्ट है। और उससे बड़ी बात है, राउंड टू का जो रिज़ल्ट है ऑप्शन नंबर 1 वाला मिला है। ये बड़ी बात है यार, पहला चॉइस मिलना है ना। हज़ार सैकड़ों सैकड़ों में बच्चे भरते हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कह लीजिए बस्ती मिला हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल इंडिया रैंक 50,902 पे मिला है। ग्रुप ए का है, कैटेगरी BC है और आप देख सकते हैं मना कि इस तरीके से आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट बना होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, हाँ नहीं बना होगा तो नहीं दिखाएगा। समझ में आ रही बात, अगर आपका रिज़ल्ट बना हुआ है तो ये इस ऑप्शन में आपको दिखेगा, है ना। अच्छा, आपके लिए चीज़ें की जा रही है अभी बहुत सारे। देखो मैंने वैकेंट सीट का PDF आपको अवेलेबल करवा दिया था कि किस कॉलेज में कितने मिले हैं, कितने खाली हैं। बाकी अभी इसके बारे में DV पे मैंने वीडियो दिया है, आपको जो भी चीज़ें चाहिए YouTube पे सर्च करो। सर्च करने के बाद RACEVA रेशवा सेमेस्टर सर्च किया करो, है ना। तो आपको चीज़ें आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये चीज़ें हैं आपके लिए और आप सभी इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिन बच्चों को रिज़ल्ट मिल चुका है उनके लिए तो दिल से शुभकामनाएं हैं। आप हमें रिज़ल्ट अपना 9621948025 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके पोस्ट को हम ज़रूर करेंगे, बट आप अपने फ़ोटो को भी ज़रूर देंगे, है ना। हर एक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं। उसके अलावा ये भी है कि आपको कुछ स्टूडेंट को रिज़ल्ट नहीं मिला है तो आप परेशान नहीं होंगे, नेक्स्ट राउंड में आप लोग चीज़ों को करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो वीडियोज़ आपके लिए देखो, एक तो देखो बड़ी बात है कि आपको रात में वीडियोज़ दिए गए और आपका इसे काम हुआ होगा, तो फिर से कंग्रेचुलेशन है। अच्छा लगा होगा तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।